फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा द्वारा अलग अलग जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर आज बल्लभगढ़ जोन के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग लेने के लिए थाना शहर बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां पर बल्लभगढ़ डीसीपी, बल्लभगढ़ एसीपी, सभी थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। इस मौके पर कमिश्नर विकास अरोड़ा ने लगातार बढ़ रहे क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के साथ ही पुलिस अधिकारियों की कमी पाए जाने पर अधिकारियों को शोकेस नोटिस भी जारी किए जाने की बात कही। वहीं बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी का निरीक्षण किया, जहां पर चौकी की सुंदरता देखने पर खुश हुए और चौकी इंचार्ज द्वारा की गई मेहनत की सराहना की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लगातार पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अलग अलग फरीदाबाद के जोन के पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर क्राइम को कम करने की कोशिश कर रही है। फरीदाबाद क्राइम मुक्त होगा। मैं आज ये बल्लभगढ़ का दौरा किया है, सिटी बल्लभगढ़ थाने में एक तो सारे मीटिंग भी हमने पूरी की है और साथ में कुछ चौकियों का भी औचक निरीक्षण वगैरह किया है, तो काफ़ी हमारा मतलब सुधार देखने को मिला है और बेसिकली हमारा फोकस यही है कि लोगों को न्याय मिले और जल्दी मिले। इसी के लिए हम लोग सारे प्रयासरत हैं, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ईमानदारी से पुलिस काम करे, अच्छा व्यवहार करे और जल्दी ईमानदारी से कार्य करे, तो आज उसी की सारी रिव्यू मीटिंग हमने की है और साथ में कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया है, मुलाजमों से भी लिया है, पब्लिक से भी फीडबैक लिया है और इसको और बेहतर बनाने के लिए हमने अपनी कार्य योजना भी बनाई है। क्राइम की जो घटनाएँ हुई हैं वो लगभग सारी की सारी घटनाएँ 24 घंटे के अंदर अंदर फरीदाबाद पुलिस ने ट्रेस किए हैं। कल भी एक घटना हुई थी जिसमें कि जो कि बड़ी बारबरिक और देखने में बहुत खूंखार टाइप की घटना थी, जिसमें कि वो जिसने पहले अटैक किया था दूसरी पार्टी पे, उसने उसको हथौड़ों से ही लोग पीट रहे थे, तो उसमें भी तीन लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों के तीनों जो मार रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो जो भी घटना हुई है उसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन और घटनाएँ कम हों और ना हों इसके लिए भी आज हमने राइडर पीसीआर के बारे में भी एक पूरी कार्यशैली अपनी बनाई है, जिससे हमारी पुलिस और एक्टिवली इस बारे में भी घटनाओं पर भी अंकुश लगा पाए।